एकदम जानती हूँ, मन नहीं लगता है रे। अरे हाँ, अरे सही बोलती हो। मोहल्ले भी तो देखती है ना, मोहल्ला में सब कोई कैसा है, सब अपने अपने से मतलब रखता है, कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता है। हमारी एक फ्रेंड थी, वो अभी तो ऐसे ही निकल गई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नहीं बोलो, देखो, हम लोग ये नहीं जानते कौन कैसा है नहीं है, लेकिन हमको तो तुम्हारे सब बेस्ट फ्रेंड मिलने का मतलब कि भगवान कोई बहुत बड़ा हमको गॉड गिफ्ट चीज मिला है। नहीं हमको भी एकदम, क्या हम बोले। पर मोहल्ला का, मोहल्ला में देखते ना सब कैसा, तो मन ही नहीं करता किसी से बात हमसे तो कोई करने भी का। पूछता है कौन है तुम्हारे साथ तुम्हारी फ्रेंड, हम कभी नहीं बोलते। फ्रेंड नहीं, दोस्त है मेरी, मेरी बहन के जैसी है। मतलब क्या बोले इसको, फ्रेंड का भी क्या नाम दे। मतलब तुम जानती हो ना कि अपनी सिस्टर कैसी होती है, उससे भी बढ़कर हमको तुमसे बहुत प्यार है। और हम कभी देखो चाहते नहीं हम लोग का दोस्ती में कुछ भी आए। नहीं रे, हम भी नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा तो बताए, वैसा मन ही नहीं लगता है। हम लोग क्या करेंगे बोलो, एक ही दूसरे, हम ही लोग तो एक दूसरे का सही बात सहारा ना, है। एक दूसरे से बात कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा मन लग जाता। बाकी तो ऐसे लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, कोई किसी को पूछते भी नहीं आज के युग में। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना तुमको, हम क्या बताएं। तुम्हारा मतलब कोई भी कुछ काम के लिए बोल दो तो मुंह पे तो ऐसे बोलेंगे कि अरे बाह, मतलब कि तुम्हारे कितने सहयोजक सही हैं। बोल रही हो, तुम सही और बोल उसके रही हो। बाद मतलब एट ए टाइम तुमको इनकार कर देंगे, मतलब कि तुम उसके भरोसे रह जाओ। लोग ऐसे एक इतनी दूसरे हम का मैंने तो देखा है, इतनी पुरानी पुरानी दोस्ती रहती है, पर जब जरूरत पड़ता है लोग को, पर एकदम मुकर जाते हैं एकदम। मेरे पास तो कुछ हम हेल्प ही नहीं कर सकते, मेरे पास है ही नहीं। नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं यार, क्या बोलूँगी। आजकल का युग ही ऐसा है यार, लोग बोलते हैं ना कल युग है, सच में कल युग ही चल रहा है। यही एक तो। मेरी बगल की आंटी है, मतलब इतनी जलनखोर है कि क्या बोले, एकदम इतनी जलनखोर है, हर चीज में ना झुक के जागती रहेगी। उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, हर चीज का उसको जानकारी चाहिए। ऐसी अरे चिड़नखोर है। मोहल्ला वाले लोग ऐसे ही होते हैं, किसी की बात तो रुकना। अरे ये क्या है, तुम डायमंड का लियो क्या? हाँ डायमंड का ही लिए, देखो बहुत ना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। एक दिन मुझे भी देना पहनने। हाँ हाँ ले लेना ना, बहुत ही अच्छा। कल ही तो ये लेकर आए थे, तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए आने वाली ही थी, तो चलो तुम ही आ गई तो अच्छा कि देख ली। बहुत अच्छा लग रहा है, डायमंड के कल ही मतलब मंगाए बिल्कुल थे। हाँ यूनिक पीस है, मैंने अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा किसी के पास। तुम ले लेना, तुम्हें पहनना होगा तो नहीं ठीक नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मैं यार रखूं, पहन लेना ना। तुम्हारा है मेरा है, बात में हाँ तो तो क्या और क्या, है। पहन लेना हाँ और क्या, किसी पार्टी में जाओगी तो पहन लेना, तो बहुत ठीक सुंदर है। लगता है। लगता है मेरा फोन बज रहा है, मैं देख के आती हूँ, रुको 1 मिनट। अच्छा, उधर ही छोड़ दिया हाँ क्या हाँ मैंने फोन? उस रूम में रख दिया फोन, आती हूँ लेके 1 मिनट। हाँ, अरे फोन तो मेरा भी बज रहा है। इसका है। हाँ सुमी बोलो। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। हाँ वो बगल वाली बीवा नहीं है क्या? वही आई हुई थी, माथा चाट रखी है जब से। हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या करूँ, उसके मुंह पर बोलना पड़ता है ना कि हाँ तू ही बेस्ट फ्रेंड है ये वो। और ये तो हम लोग ही जानते हैं कि बेस्ट फ्रेंड तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। 2 रुपया नहीं देखती है कि अपने मन में सोचती है कि बाप रे अंबानी के घर से बिलोंग करती है। हाँ मैंने भी उसे खूब बेवकूफ बनाया। नहीं, यही है शायद, उस कमरे में उसका फोन रखा हो तो किसी से बात कर रही होगी। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो, बिल्कुल। पर क्या करे, बगल में रहती है तो थोड़ा सा समझती हो ना तुम, कभी कुछ काम हुआ तो बुला लिया, करवा लिया। हाँ अरे यार मेरी तो फोन भी नहीं बज रही थी, मुझे सुनाई दिया कि मेरी फोन बज रही है। अरे वो किससे बात कर रही है, मेरे बारे में लगता है बात कर रही है ना। अरे हाँ मेरे बारे में ही बात कर रही है, जरा सुनो क्या बोल रही है। अभी आ जाएगी ना, सुनेगी ना तो बोलेगी मेरी बुराई कर रही होगी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है वो। हाँ आके सुनो, हम लोग कुछ भी करेंगे ना प्रोग्राम आपस में मिलके, तो उसको बोल मत देना तू, मेरे पीछे पीछे हर जगह चली आती है। हाँ सारे दिन मेरी बला से तो चूल्हे में जाए, अब क्या करूँ, आ करके बैठ जाती है तो थोड़ा चिकना चिकना बोलना पड़ता है ना। अभी मेरे बारे में कितना अच्छा बोल रही थी कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरी ये हो, तुम मेरी हो, और मेरी इधर जाती है मेरी चुगली करने लगी।
बाप रे बाप, सच में ये तो आज तो मेरे से मजा चखाती हूँ। मेरी चूली कर रही है, आज मैं इसे बताती हूँ कि मेरे चूली करने से कितना भारी पड़ेगा। निगरानी रखती है कि मैंने क्या खाया, क्या पहना, कब सोई, कब उठी, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, और अगर रास्ते। क्या कर रही हो? अरे वो मम्मी का कॉल आ गया था। मम्मी का कॉल आ गया था ना। हाँ, और किसका फोन था, किससे बात कर रही थी तुम? मैं तो बात कर रही थी, पर तुम किसे बात कर रही थी? तुम तो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती हो ना। ऑफ कोर्स तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हाँ हो, यार, तब से क्यों तो मैं भी बहुत ज्यादा गलत फहमी में ही थी कि तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती हो। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या, मैं अरे तुम मुझे सब पता, तुम क्या कर रही थी? मेरी पागल चुगली हो कर गई रही हो थी, क्या मेरी तुम? चुगली कर रही ना तुम विभा से के साथ। पर मेरी चुगली कर रही थी, मैं तुम्हें बताती हूँ। शांति से रहो, शांति करो, शांति करो। मेरी चुगली कर रही थी, मेरी चुगली कर रही थी ना तुम। मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझा, मैंने तुमसे अपना सारा दुख सुख सब कुछ शेयर किया, और आज तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी। चुप रहो, तुम मुझे अपना, मैंने तुम्हें सब कुछ अपना दोस्त समझा। मैं आती हूँ अभी, नीचे का चल जा। मुंह टाइट से वहां गिर जाएगा। अच्छा मुंह गिर गया, ठीक है तुम थोड़ा सा बोलना पड़ रहा, मतलब मुंह में नाक में क्लोरो फॉर्म से काम। तुम मुझे खोलो, मुझे कुछ बोलने तो दो। मैंने सब सुन लिया है तेरा, फोन पे जो तूने बात कर रही थी ना। पैर मोड़ ले अपना, है ना। तुम्हें कुछ गलतफहमी भी हो सकती है, मैंने मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं अभी कहा है। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है, सब कुछ अपने कानों से सुना है। तूने मेरे बारे में इतना सारा चुगली किया, तूने अरे मैंने कुछ नहीं कहा है यार, तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे बहुत चुगली किया है, तूने मेरा बहुत चुगली किया है, तूने मेरा बहुत चुगली किया है। मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, और तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मेरे साथ क्या किया? क्या किया तूने? और क्या किया तूने? क्या किया मेरे साथ? मेरी चुगली की शर्म नहीं लगा तुझे? मैं तुझे दिल से अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, और तू भी निकली कंचन की तरह, और तू भी कंचन की तरह मुझे धोखा दे दी। कंचन से मैंने 3,000 रुपया मांगा था फोन पे, उसने बोला नहीं है मेरे पास, वो इतनी करोड़पति के पैसे नहीं होंगे, और तू भी मुझे उसी तरह निकली। ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात सुनो तो, मुझे मैं कुछ तुझसे कहने का कुछ नहीं, मौका तो दो। तुम्हें ऐसा आज तो मैं लगता है तेरा कि मैं ऐसा कुछ कहानी कर खत्म सकती हूँ? करूंगी, आज तो हाँ, मैं तेरा कहानी मैं खत्म कभी भी ऐसा करूंगी। नहीं कर सकती, मुझ पर भरोसा करो प्लीज। मुझसे झूठ बोलती है? मुझसे तुम नहीं, झूठ बोलती हो ना? मुझे सब पता है कि तुम झूठ बोलती हो, मुझे सब पता है। तुम इतनी चुगली कर रही थी ना मुझे, मैंने सब देखा तुम्हें चुगली करते हुए। तुम सो जाओ, बेहोश कर दिया मैंने तुम्हें। अब तो मैं तुम्हारी चेक कर लूं। बेहोश हो गई है इसीलिए तो आंखें चेक कर ली थी। बेहोश हो गई, मैंने इसे क्या नहीं समझा, ये तो बिल्कुल भी कंचन के जैसे ही निकली, धोखेबाज। वो तो थी ही एहसान फरामोश। चलो अब मैं इसे यहीं सोने रह छोड़ देती हूँ, और कोई भी आएगा ना वापस से इसके घर भिजवा दूंगी। मेरी चुगली करती, मैंने इसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझा, और ये धोखेबाज निकली। क्या कर सकते हैं, राम राम जी।